क्या तुम लोग 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और डीवाई पाटिल में एडमिशन लेना चाहते हो? आ जाओ बॉस, दिला दूंगा। आइए कुछ नया देखते हैं। ओके, सो आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कौन कौन से कोर्सेज तुमको प्रोवाइड करता है। जी, ये वाले कॉलेज की इतनी ज्यादा डिमांड है ना कि मैं क्या बताऊँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बता दूँ। पहली, ये जो कॉलेज है ना, ये है आकुड़ी में। सो ये वाला जो कैंपस मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसके अंदर 3-4 कॉलेजेस है, ठीक है। कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। फिर एक है डी वाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी DYPIU, 5-6 कॉलेज है ये एक कैंपस के अंदर। तो उसमें का एक एक कॉलेज है डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तुम लोगों ने मेरा कैंपस टूर व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने प्रॉपर डिटेल में तुम लोगों को बताया। अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएंगी। ओके, सो अब मैं तुम लोगों को बताना शुरू करता हूँ डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आकुड़ी पुणे में कौन कौन से कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ENTC है, मैकेनिकल है, सिविल है, IT है, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल है, AI है, AIDS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है। तो सबसे ज्यादा जो डिमांड में रहता है ना भाई, वो है सबसे पहले CS, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फिर ENTC रहता है, IT रहता है और AI रहता है, ठीक है। सो इसके जो इंटेक्स है ना, ये 180 अभी थोड़ा इंक्रीज कर दिया, पहले 120 था फिर 180 किया है, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब इस्टेब्लिश कब हुए थे। पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्सेस है, यहाँ पे है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग है, सिविल ये सब है, फिर ENTC है, ठीक है, और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, ये है पोस्ट ग्रेजुएशन। और PhD तो बहुत कम लोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ओके, सो अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर कैसा होता है एडमिशन का, किस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला होता है अपना सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जिसको कैप राउंड भी बोलते हैं, ठीक है, कैप राउंड 1, 2, 3, 4। सेकेंड तरीका होता है, यहाँ पे तुम लोगों को MSCET के थ्रू भी मिलता है, JEE के थ्रू भी मिलता है, ठीक है, अगर तुमको अच्छे मार्क्स है तो तुमको उसके थ्रू भी मिलता है। तो अभी ये सब मैंने आपको बता दिया, एंड अभी अपन बात करते हैं भाई फीस स्ट्रक्चर कितनी रहेगी एंड कैसा क्या होएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में जो फीस रहेगी फॉर महाराष्ट्र बोर्ड 1,33,998 रुपीज़, थोड़ा सा नहीं क्या ऊपर नीचे चलते रहता है, ठीक है। OBC वगैरह के लिए 77,000, SC ST के लिए भाई 4,000 पकड़ के चलो। सो अगर तुम लोगों को दिक्कत जा रहा है, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी बॉस, वो फॉर्म फिल कर दो, तुम लोगों को कॉल आ जाएगा मेरे टीम के तरफ से, एंड भाई दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई हेल्प करना चाहता है तो भाई फायदा उठाओ उस चीज़ का, एंड तुम लोग गूगल फॉर्म फिल करो, तुमको कॉल आ जाएगा। सो अब अपन बात करते हैं भाई यहाँ पे प्लेसमेंट्स कितने होते हैं, इसका एवरेज पैकेज कितना रहता है, कितने परसेंटेज बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। अब मैं सबसे पहले बात एक चीज तुम लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, प्लेसमेंट तो हो जाते हैं लेकिन तुम्हारे स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये मैंने कई सारी वीडियो में बोला कि भाई तुम्हारा स्किल बहुत मैटर करता है। सो यहाँ की जो हाईएस्ट पैकेज है ना, वो है 41 लाख पर एनम। तो इनका जो एवरेज पैकेज रहता है वो है 6 लाख पर एनम, 6 लाख रुपए साल का भाई तुम लोगों को मिलेगा, एंड अगर तुम्हारे स्किल्स अच्छी है तो तुम लोगों को ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, बस कहने का मतलब इतना ही है। अब मैं तुम लोगों को थोड़े कंपनीज वगैरह बता देता हूँ कि भाई कौन कौन सी कंपनीज एक्चुअल में आती है, एंड प्रॉपर पूरी लिस्ट बनी है भाई कौन कौन सी कंपनीज आती है। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो IBM है, बड़ी बड़ी कंपनीज, आदित्य बिरला हॉस्पिटल है, फिर Jio है, फिर भाई जॉनसन है, फिर रिलायंस है कम्युनिकेशन, टाटा है, टाटा मोटर्स है, टाटा टेक्नोलॉजी है, टाटा टेक महिंद्रा है, बहुत सारी कंपनीज है, लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये वाले जो कॉलेज है उसमें लैब्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब है, तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब है, फिर ये सब लैंग्वेज लैब है। तो पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है ना भाई, यहाँ पे निकल इवेंट्स चलते रहते हैं, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे टेक्निकल इवेंट्स होते रहते हैं, फिर कुछ फेस्ट हो गया, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई, भाई यहाँ पे निकल ये चलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में निकल बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, एंड तुम लोगों को अभी भी कुछ भी नहीं समझा या कुछ डिफिकल्टी है, कुछ फॉर्म वॉर्म भरा तुमको रिप्लाई नहीं आया उनके तरफ से, तो तुम लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, एंड भाई वहां पे तुम लोग फिल करो, मैं खुद पर्सनली तुम लोगों से भी बात कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी टीम जरूर करेगी तुम लोगों से बात, एंड वहां पे तुम लोग कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में रहा कि भाई मुझे ये नहीं समझ रहा, तुम ये भी पूछ सकते हो, एक तो ये कॉलेज का भी पूछ सकते हो, या फिर कोई डिफरेंट कॉलेज में तुमको लेना है, पुणे में कोई भी कॉलेज, तुम लोग वो भी पूछ सकते हो,
एंड तुम्हारे लिए ये सब मैंने करके रखा है, ठीक है, प्रॉपर पूरा सिस्टम बिठा के रखा है कि भाई तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जैसे मुझे हुई थी भाई कॉलेज कैसा है, क्या कॉलेज नहीं दिखता है, तो मैं इसलिए तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई तुम लोग ये भर दो एंड तुम लोगों को एक पर्सनल कॉल आ जाएगा, टेंशन मत लो उसका। सो ये वाली वीडियो आई होप तुम लोगों को हेल्प की होगी एंड पूरे कोर्सेस मैंने तुम लोगों को बता दिया, मैंने तुम लोगों को फीस बता दी, मैंने तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्या क्या होता है वो सब बता दिया, मैंने तुम लोगों को प्लेसमेंट बता दिया, मैंने कौन कौन सी कंपनीज आती है ये वाले डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में वो सब बता दिया। एंड आई होप तुम लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव है तो भाई सब्सक्राइब कर लो ये चैनल को, तुम्हारा भाई हूँ मैं, ठीक है, तो भाई भाई को हेल्प नहीं करोगे ग्रो करने में तो किसको करोगे, गर्लफ्रेंड को है, भाई को करो भाई। डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है वो भर देना एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों को न्यू वीडियो में। एज ऑलवेज थैंक यू बस एंड दिस, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, बूम।